जय गो माता। हमारे साथ आज रवि अग्रवाल भैया जी हैं, आप गुना से हैं और मिठाइयों का नमकीन का आपका काम है। आज भोपाल में गो सेवकों की एक बैठक भी हुई तो उसमें रवि भैया मिले। रवि भैया, आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं और आपकी बोनी भी होती होगी सुबह, आप उस बोनी का क्या करते हैं? ये मेरा बरसों से 2003 में जब मेरी माता जी शांत हुई उस समय मुझे संकल्प, जो पूजन में एक संकल्प होता है, उस समय एक संकल्प मैंने लिया था कि मेरा जो संस्थान है उसमें सुबह का जो पहला ग्राहक होगा, चाहे वो 10 रुपये का ग्राहक हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 2000 का, उस पर मेरा अधिकार नहीं होगा। वो एक डिब्बा मैंने बना रखा है, वो पहली बोनी का पैसा मेरा पूरा वो गौशाला के लिए जाता है। और ये मेरे 3 संस्थान हैं, तीनों पर ही ये नियम लागू होता है मेरा। बहुत सुंदर, जय गोमा। कुछ और बोलना चाह रहे? बस मेरा सभी से अपील है, आज मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ, माने मोहम्मद साहब के साथ मैं बैठा हूँ, अच्छे कथावाचक हैं, मुझे सौभाग्य मिला आपसे मिलने का। और कुछ और मुझे नई मेरी दिनचर्या में मैं आपसे जो सीख मिली है उन्हें शामिल करूँगा। तो सभी से अपील है कुछ इसी तरीके से नए नए कार्य करते जाएं और इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत सुंदर रवि भैया, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप सूर्य की तरह ऊर्जावान तेजवान है और गौ माता की सेवा भी करते हैं और सबसे अपेक्षा भी करते हैं, आशा भी करते हैं कि जैसे ये काम कर रहे हैं कि पहली रोटी गाय की जो कहा गया है, तो हम अपनी पहली बोहनी भी गौ माता के लिए दे सकते हैं, वो गाय के पेट में जाएगी। रवि भैया जैसे गो भक्तों के कारण ही आज ये गौशालाएँ चल रही हैं और गौ माताएँ सुरक्षित हैं। भैया, हम सब सुरक्षित रहे, गौ माता की कृपा हम सब पर बरसती रहे, हम सब गौ माता की सेवा करेंगे, उनकी कृपा हम पर बरसती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया।